हेलो एवरीवन। सो ये सेशन कंटिन्यूएशन है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का, जिसमें हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। सो अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डील करेंगे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इंडिविजुअली इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इनके नेचर के बारे में बात करेंगे, राइट? सो एक एक करके हम सारे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स डील करने वाले हैं। वैसे तो जितने भी कंपाउंड्स बॉडी में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उन सबको बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिनमें कार्बन अटैच्ड है, जो बॉडी का हिस्सा है। बट हम स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, डिटेल में उनका स्ट्रक्चर डील करेंगे एज पर द एनसीईआरटी। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो सबसे पहले डील कर रहे हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को। और ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन जो है बॉडी में नियरली प्रेजेंट होते हैं 3%। 3% अगर हम बात करें सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहने वाले कंपाउंड की, मॉलिक्यूल की, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, वो एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, दैट इज वाटर। 70-90% उसकी वेटेज रहती है, परसेंटेज रहती है। एनसीईआरटी ने क्लियर फिगर दिया है कि वाटर सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, दैट इज 70-90%। उसके बाद प्रोटीन्स रहते हैं, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड रहते हैं, देन कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद लिपिड्स एंड लास्ट में जितने भी आयनिक फॉर्म्स हैं, जो कि नियरली 1% से कम रहते हैं, तो वो प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, प्रोटीन की परसेंटेज 10-15% है, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड 5-7% है, देन कार्बोहाइड्रेट 3%, और उसके बाद लिपिड्स जो है वो 2%, एंड जैसे मैंने आयंस के बारे में कहा कि 1% के आसपास रहेंगे। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, बहुत मिनिमल अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट है, ऑल्दो वाटर के कंपैरिजन या प्रोटीन के कंपैरिजन में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एनर्जी सप्लीमेंट है, बहुत तरह के बॉडी का हिस्सा बनाते हैं। ठीक है, सो दिस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हैज द फॉर्मूला ऑफ CxH2OY, जिसमें से वाई जो है वो वेरिएट करता रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो वेरिएट करती रहती है, जिसमें अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी जाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आपस में भी अलग अलग रहेगी। ठीक है, सो मोनोमर्स में जो एक्स और वाई की वैल्यू होती है वो सेम रहती है, तो सेम वैल्यू रहेगी एक्स एंड वाई की, लेकिन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म आती जाएगी, एक्स और वाई आपस में डिफरेंट होते रहेंगे, और जितने जितने कॉम्प्लेक्सिटी रहती है उसी हिसाब से एक्स और वाई की वैल्यू होगी, और हर एक मॉलिक्यूल में चेंज होती रहती है। ठीक है, सो हमारे पास ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो रिप्रेजेंट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, तो कार्बन के हाइड्रेट्स। ठीक है, सो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकराइड्स, क्योंकि इनका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है, ये शुगर मतलब स्वीटनेस रहती है। अगर हम सिंपलर फॉर्म की बात करें तो सिंपलर फॉर्म ज्यादा स्वीट है एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अगर हम रोटी खा रहे हैं, जैसे रोटी क्यू करते हैं जैसे जैसे, वो नॉर्मली तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, स्टार्च फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है रोटी में। जैसे हम च्यू करेंगे वैसे वैसे थोड़ा स्वीट टेस्ट आना लग जाता है, यानी कि जैसे जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी सिंप्लीफाई होते रहते हैं, डाइजेस्ट होते रहते हैं, वो स्वीटनेस शो करेंगे, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है उनको कैटेगराइज किया गया है, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, उसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट डील करना है। सो क्लासिफिकेशन के एस्पेक्ट से बात करें, सो वी हैव 3 पर्टिकुलर क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट। ठीक है, सो हमारे पास कितने नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, तो कितने शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट में, उसके हिसाब से हमारे पास 3 पर्टिकुलर क्लासेस रहेंगी। सो 3 क्लासेस आर देयर, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वो है जिनके जिनके केस में हमारे पास सिंगल शुगर मॉलिक्यूल रहता है और वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। उसके बाद सेकंड है ओलिगोसैकेराइड,
ओलिगोसैकेराइड जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट आ गया, यानी कि 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। एंड अल्टीमेटली जो हमारे पास है पॉलीसेकेराइड्स, वो थोड़े से ज्यादा और कॉम्प्लेक्स हो गए, यानी कि 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे, हजारों में रहते हैं। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी, मोनोसेकेराइड में सेम रहेगी। और याद रखेंगे मोनोसेकेराइड को हाइड्रोलाइज किया नहीं जा सकता, बल्कि ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड जो है उनको हाइड्रोलाइज किया जा सकता है इंटू सिंपलर शुगर्स। ठीक है, वो कैसे, उसको डिटेल में जानने के लिए एक एक करके हमें सबके बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले फोकस कर रहे हैं हम मोनोसेकेराइड्स पे। सो मोनोसेकेराइड्स सबसे पहली कैटेगरी है, तो ये ध्यान से सुनेंगे। मोनोसेकेराइड्स वो है जिसमें सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, सो सिंगल शुगर मॉलिक्यूल रहेगा, और सिंगल शुगर मॉलिक्यूल होने की वजह से इसे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता और पर्टिकुलर शुगर्स में, सो इट कांट बी हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा एक्स और वाई की वैल्यू सेम रहेगी एज पर द फॉर्मूला। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये जो मोनोसेकेराइड्स है, दे आर कंपेरेटिवली स्वीटर देन ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। एंड मोनोसेकेराइड्स जो है वो हमारे पास बेशक एक शुगर मॉलिक्यूल जरूर है, लेकिन हमारे पास 3 to 7 कार्बन एटम्स रह सकते हैं एक पर्टिकुलर शुगर मॉलिक्यूल में। ठीक है, हमारे पास सबसे सिंपल शुगर जो है वो मोनोसेकेराइड्स होती हैं, जिसमें से हमारे पास हर एक शुगर में अलग अलग कार्बन नंबर्स हो सकते हैं, 3 to 7 कार्बन नंबर्स रहेंगे, 1, 2 और 7 से ज्यादा वाले अरेंजमेंट्स नहीं दिखेंगे आपको। जिसके बेसिस पे फर्दर और क्लासेस है, मैं आपको और कैटेगराइज करके बता देती हूँ, जिसमें हमारे पास जैसे मैंने कहा कि 3 to 7 है, तो हम ट्राई से शुरू करेंगे, तो ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, नाम से ही पता चल रहा है पेंटोसिस 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस, इससे ज्यादा अरेंजमेंट नहीं दिखेगा। ठीक है, सैकेराइड्स है और ऑसिस है। ठीक है, सो ये अलग अलग हमारे पास सुफिक्स यूज किए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान से समझना है, ध्यान से लर्न करना है। ठीक है, सो ट्रायोसिस वो होते हैं जिसमें मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन रहते हैं, मोनोसेकेराइड में। ठीक है, टेट्रोसिस हमारे पास 4 कार्बन रहेंगे, पेंटोसिस 5 कार्बन, हेक्सोसिस 6 कार्बन एंड हेप्टोसिस 7 कार्बन। अगर हम एक कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे डील करें, तो ट्रायोसिस में बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, दैट इज ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट। अब आप बोलो ये तो हमने कभी सुनी नहीं। अगर आप 11th के फर्दर पोर्शन पे जाओगे, यानी कि आप रेस्पिरेशन की बात करोगे, जिन जो भी 11th कवर कर रहे हैं उनकी मैं बात करूँ तो वो आगे डील करेंगे, जिन्होंने 11th कवर कर लिया है वो रिवाइज कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स, तो वो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में दोबारा जाके ग्लाइकोलिसिस देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस में पाथवे में जो स्प्लिटिंग वाला फेज है, स्प्लिटिंग के दौरान 2 शुगर्स बनती हैं, ग्लिसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दोनों हमारे पास ट्रायोसिस है। ठीक है, सो दोनों ट्रायोसिस है, हमारे पास फॉस्फेट जुड़ा है इन शुगर्स में। ठीक है, तो हमारे पास ये ट्रायोसिस है, 3 कार्बन रहेंगे, फाइन। उसके बाद टेट्रोसिस, टेट्रोसिस में हमारे पास एक और शुगर है, रेस्पिरेटरी पाथवे से जुड़ा है, बट आप बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं होंगे इस टर्म के साथ, दैट इज एरिथ्रोसिस। तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल आपके लिए, पेंटोसिस में अगेन बहुत फैमिलियर शुगर है, बार बार नाम सुनोगे इनके बारे में, राइबोस शुगर। ठीक है, राइबोस और इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म भी है, दैट इज डीऑक्सीराइबोस, जो मॉडिफाइड शुगर के नाम से जानी जाती है, बट मैं इसी के साथ लिख रही हूं क्योंकि ये भी हमारे पास पेंटोस यानी कि 5 शुगर मॉलिक्यूल है। एक्सोस में बहुत सारी एग्जाम्पल, ग्लूकोज, मैनोस, फ्रक्टोस, गैलेक्टोज, ये सारी हेक्सोसिस हैं।
ठीक है, एंड हेप्टोसिस में भी सूडो हेप्टोरोस, सूडो हेप्टोरोस। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो अलग अलग कार्बन नंबर से जुड़ी हुई है और सारे मोनोसेकेराइड्स हैं बेटा। अगर इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज करना चाहे और सिंपलर शुगर्स में तो हम नहीं कर सकते हैं, और सिंपलर फॉर्म्स में हम नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द मोनोसेकेराइड, ठीक है। हम मोनोसेकेराइड जो है यही अल्टीमेटली जुड़ते हैं, यानी कि हमारे पास ये 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन एटम्स जुड़ते हैं और अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स बनाते हैं, ठीक है। जिसमें से हम मेनली फोकस करेंगे किस पे, ऐसे ओलिगोसेकेराइड पे जो हेक्सोसिस से बनते हैं। सबसे ज्यादा फेवरेट जो है वो हेक्सोसिस है हमारे पास, क्योंकि हम ग्लूकोज को बार बार रिपीट करते हैं, ग्लूकोज से हम सबसे ज्यादा फेमिलियर हैं, क्योंकि ग्लूकोज हमारी ब्लड शुगर है। फ्रक्टोज जो है वो फ्रूट की शुगर है, उसके एपिमर है हमारे पास मैनोज गैलेक्टोज, है ना। तो इन शुगर से ज्यादा फेमिलियर रहते हैं हम, इन कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा फेमिलियर रहते हैं, तो इन पे फोकस करते ही हम आगे ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स डील करेंगे नियरली, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डील कर लेते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं, जान लेते हैं कि किस तरीके का अरेंजमेंट है। सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है लीनियर चेन स्ट्रक्चर में बना रही हूँ, बींग एन हेक्सोस। तो ग्लूकोज जो है उसमें 6 कार्बन रहेंगे, ठीक है। सो 6 कार्बन होगी, 1 2 3 4 5 6, राइट। सो 6 कार्बन होंगे, तो हर एक कार्बन में अरेंजमेंट जो है वो हमें देख के ही ड्रॉ करना है, ठीक है। सो सबसे पहला कार्बन जो है उसमें होगा एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सी ग्रुप, ठीक है, CHO ग्रुप। तो CHO ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ग्लूकोज जो है वो एल्डोज है। सो हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे ट्रायोसिस है, टेट्रोसिस है, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस, इन सब में भी अलग अलग कैटेगरीज है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास मेन कार्बन जो है उसमें एल्डोज ग्रुप है या कीटोज कीटोन ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज शुगर है, कीटोन ग्रुप है तो कीटोस शुगर है। तो हमारे पास ग्लूकोज जो है वो एल्डोज है, अगर हम हेक्सोसिस में बात करें कीटोस शुगर की तो वो फ्रक्टोज आपको देखने को मिलेगा। सो एल्डोसिस और कीटोसिस जो है वो अलग अलग कैटेगरीज हैं अमंग द शुगर्स। सो मोनोमर्स के केस में ये हमारे पास ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप के साथ होता है, तो ये आगे एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप। उसके बाद हमारे पास ये है H और OH, यहाँ पे थर्ड कार्बन पे पोजिशन चेंज करेंगे OH की, यहाँ पे H और OH, H और OH, और 6 कार्बन में आप देख रहे हो एक्स्ट्रा वैलेंसी है हमारे पास, सो ये आ गया CH2OH। सो दिस इज द होल अरेंजमेंट और द लीनियर चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो नॉर्मली ग्लूकोज जो है इस लीनियर फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। लीनियर फॉर्म में नहीं होता फिर कैसे होता है, तो हमारे पास ग्लूकोज जो है वो रहता है, यानी कि शुगर्स जो है वो मेनली प्रेजेंट रहते हैं पाइरेनोस रिंग फॉर्म में। तो ग्लूकोज जो है वो रिंग फॉर्म में रहता है, बीइंग द स्ट्रक्चर, बीइंग द स्टेबल स्ट्रक्चर। तो पाइरेनोस रिंग जो है वो हमारी बॉडी में भी पाई जाती है। लीनियर चेन तब बनती है जब एक रिंग फॉर्म से दूसरी फॉर्म रिंग फॉर्म में शुगर को कन्वर्ट होना होता है। सो उसको देखते हैं एक बार कैसा अरेंजमेंट है। तो हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, ये है रिंग बना रही हूं, इस तरीके से रिंग रहती है, ठीक है। तो 6 पोजिशन है हमारे पास, ठीक है। तो 6 पोजिशन है तो ये रिंग कही जाएगी पायरेनोस रिंग, अगर 5 पोजिशन होती तो फ्यूरेनोस रिंग, ठीक है। सो पायरेनोस रिंग फॉर्म है। अब हमारे पास अगर इसमें अरेंजमेंट की बात देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कार्बन यहाँ पे रहता है O के साथ, तो H और OH। अब आप बोलो यहाँ पे O है, H नहीं है, पूरा अरेंजमेंट बना के दिखाऊंगी कैसे बना, ठीक है। पहले मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ। तो सेकेंड कार्बन ये रहेगा एच और ओ एच, थर्ड कार्बन के किस पोजिशन चेंज करेंगे, राइट, ओ एच और एच, ठीक है। उसके बाद ये आ गया फोर्थ, यहाँ पे फिर एच एंड ओ एच, ठीक है। नाउ दिस वन इज द फिफ्थ, फिफ्थ के केस में अब क्या अरेंजमेंट होगा, फिफ्थ और सिक्स साथ में आएंगे, सी एच टू ओ एच, ये सिक्स आ गया और यहाँ पे नीचे आएगा एच, ठीक है। सो मैं मार्क कर रही हूँ ये पूरा अरेंजमेंट, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। सो बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब क्या है हमारे पास, जब भी रिंग अरेंजमेंट लेना होता है लीनियर चेन को, तो क्या होता है, ये जो फिफ्थ पोजिशन का जो हाइड्रोजन है, नॉर्मल ये लिंक जो है वो किस तरीके से है, इस तरीके से,
ठीक है, नॉर्मली OH ऐसे है, और हमारे पास बीच में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर हो रहे हैं और अल्टीमेटली बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। सो अब H जो है, अगर हम यहाँ पे देखें ऑक्सी ग्रुप के साथ यहाँ पे, तो थोड़ी सी चेंजेस कर रही हूं, हमारे पास एक बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एक दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। सो ये है हमारे पास ऑक्सी ग्रुप नॉर्मली, यहां मैंने इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में दिखा दिया, फाइन। सो अब क्या है, क्या होता है, एक ये वाला हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन ऑक्सी ग्रुप के पास चला जाता है, बॉन्ड जो है वो मेरे साथ क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, ये एच चला गया, ठीक है, और यहां पे आ गया, अल्टीमेटली अब शिफ्टिंग हो गई, यहाँ पे ओ एच ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, ओ एच ग्रुप आ जाएगा, यहां से एच चला जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया। अब मैं यहाँ पे टेम्पररी अगर स्ट्रक्चर बताऊं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया और हमारे पास H के साथ पेयर हो गया, ठीक है। अब बच गई एक कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और हमारे पास ये ऑक्सी ग्रुप वाला इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास H अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप के पास चला गया तो OH बन गया, तो ये यहाँ पे जो OH आया ना वो इसी वजह से आया, ठीक है। और हमारे पास अब ये कार्बन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बन गया, यार अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास ऑक्सी ग्रुप के पास दो बॉन्ड्स थे, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सी ग्रुप था, ये वाला ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन के साथ पेयर कर दिया और बन गया OH, ठीक है। अब कार्बन जो है वो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के साथ बच गया है, अब यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप है वो अपने इस इलेक्ट्रॉन के साथ बच गया है, तो इन्होंने क्या किया, आपस में पेयर करना सही समझा और अल्टीमेटली इस तरीके की रिंग बन गई है। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैं अगर रीअरेंज करके बताऊं आपको, तो रीअरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे यही चेन स्ट्रक्चर जो है ना, मैं आप बिल्कुल रीअरेंज्ड फॉर्म में आपको दिखाऊंगी, ठीक है। सो नॉर्मली आप ये स्ट्रक्चर देख रहे थे, रीअरेंजमेंट में ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, CHOH, हाइड्रोजन यहां पे आया था अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है, तो यहां पे आ गया, ओके। सो उसके बाद सेकंड में कोई चेंज नहीं है, CHOH रहेगा, थर्ड में कोई चेंज नहीं है, COH H रहेगा, फोर्थ में भी कोई चेंज नहीं है, H और OH रहेगा। नाउ द फिफ्थ वन, H यहां पे है, H के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, दिक्कत हुई है ओ के साथ, ओ अपने इलेक्ट्रॉन के साथ एक बच गया, कार्बन एक अपने इलेक्ट्रॉन के साथ था, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन ने यूज कर दिया हाइड्रोजन के साथ पेयर करने में, ये वाला हाइड्रोजन गया था तो यहाँ पे वो पेयर हो गया, ठीक है। अब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी पेयर कर ले, CH2H जो है वो अपना अलग रहा, ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन, मेरा हाइड्रोजन गया, मेरा ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड तोड़ दिया, तो अब इन्होंने क्या किया, इसी इलेक्ट्रॉन को यूज किया और फर्दर यहां पे ये वाला बॉन्ड क्रिएट कर दिया, ठीक है। सो ऑक्सीजन के साथ सबसे पहला बॉन्ड यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट वाला, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, यह फिफ्थ कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा और फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, तो हमारे पास अब इस साइड वाले जो ग्रुप्स हैं वो हमने ऊपर के प्लेन के ऊपर लिखे, ठीक है, प्लेन के ऊपर लिखे, H H O H N H H H O H N H, ठीक है। अब हमारे पास ये थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज होता है, यहाँ पे क्या होता है, COH2OH जो है वो हैवी ग्रुप है, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ना हो इसकी वजह से ये ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट होता है और H जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होता है, तो इसलिए CH2H ऊपर आएगा, H यहाँ पे आता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे बस। सो ये एक्चुअल रीअरेंजमेंट है जो इसमें हुआ था। सो हमारे पास जो रिंग बनती है वो ये है, सो इससे ये रिंग बनी है, सो दिस रिंग इज द अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस, क्योंकि हमारे पास ये पायरेनोस रिंग है तो अल्फा ग्लूकोज भी लिख सकते हो और अल्फा ग्लूकोपायरेनोस भी लिख सकते हो, तो क्लियर अरेंजमेंट ये है। इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सर्टेन चीजें जो है आपको हेल्प करेंगी ट्वेल्थ क्लास में भी, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में भी आपको ये चीजें जो है वो पढ़नी है, थोड़ा डिटेल में पढ़नी है, एपिमर्स पढ़ने हैं, एनोमर्स पढ़ने हैं, तो सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो डिटेल में करोगे, बस एक बेसिक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। अदरवाइज हमारे पास अल्फा ग्लूकोज के अलावा बीटा फॉर्म भी होती है, उसमें क्या होगा, हमारे पास जो फर्स्ट कार्बन होता है जिसे एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं, उसके केस में हमारे पास OH जो है वो अबव द प्लेन चला जाएगा, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा होता है,
बीटा ग्लूकोज का, बीटा ग्लूकोज का भी देख लीजिए, बस एक जगह फर्क आएगा, OH ऊपर है, H नीचे, यहां पे फर्स्ट कार्बन में, बाकी रेस्ट रिमेन्स द सेम विदाउट एनी पर्टिकुलर चेंज. CH2OH and this one is H. So this is the beta glucose. जब हमारे पास beta glucose से alpha glucose बनना होता है, alpha से beta बनना होता है, तब हमारे पास पहले linear chain बनती है, फिर changes होती है, ऐसे randomly कुछ भी नहीं हो जाता, ठीक है. So this is the whole structure or arrangement of glucose. तो अगर आप एनोमर्स की बात करोगे तो एनोमर्स यही है हमारे पास, अल्फा एंड बीटा फॉर्म, ठीक है. अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज आपस में एनोमेरिक अरेंजमेंट से डिफरेंट हुए हैं, एनोमर एनोमेरिक कार्बन जो है वहां पे सर्टेन चेंजेस हुए हैं, ठीक है. सो उसके बाद हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, एपिमर्स होते हैं, जो आपका केमिस्ट्री का पार्ट है, जो आप डिटेल में करोगे, ठीक है. चलिए, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और इस तरीके से बन रहा है आपके पास ग्लूकोज, ऐसे रीअरेंजमेंट हुए और अल्टीमेटली चेन बना है, जो कि एक स्टेबल फॉर्म है जो ब्लड में इजीली रह सकता है, ठीक है. सो ग्लूकोज के बाद अब हम बात करेंगे, यहां से हमारे पास मोनोमेरिक फॉर्म यानी कि मोनोसेकेराइड्स कंप्लीट हुए. अब हम बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड्स की. ओलिगोसेकेराइड्स जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट के साथ है, उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन की भी बात करें. सो ओलिगोसेकेराइड्स की बात करें तो हमारे पास ओलिगोसेकेराइड्स में 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 to 10 कार्बन नहीं, शुगर मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे बात हो रही है. सो एक से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये हाइड्रोलाइज किए जा सकते हैं, और हमने कहा था CH2OY के केस में हमारे पास X एंड Y की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, ठीक है. अब उसका रीजन क्या है वो हम भी देखेंगे, बट उससे पहले कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको कंपाइल करते हैं. तो हमारे पास जो ओलिगोसैकेराइड की एग्जांपल्स है वो है लैक्टोज, द मिल्क शुगर जो बनी है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से. गैलेक्टोज जो है वो ग्लूकोज का एपिमर है, ठीक है, हेक्सोज है. उसके बाद हमारे पास है सुक्रोज, सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और उसके अगेन एक हेक्सोज शुगर से बना है, दैट इज फ्रक्टोज. फ्रक्टोज एक कीटोज है, ग्लूकोज एक एल्डोज है, दोनों हेक्सोसेस है. और उसके बाद है मैल्टोज, मैल्टोज जो है वो हमारे पास दो पर्टिकुलर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ही बना है, ठीक है. सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है. अब माल्टोज की हेल्प लेके ना मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ ओलिगोसेकेराइड का. तो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज तीनों ही डायसेकेराइड हैं. डायसेकेराइड मींस ओलिगोसेकेराइड में भी जितने शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे उसके हिसाब से उसका नाम होगा. डायसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, इस तरीके से अकॉर्डिंगली नेम है. तो हमारे पास जो हमें एग्जाम्पल डील करनी है वो इन्हीं डायसेकेराइड्स की डील करनी है, इन्हीं के बारे में कहीं ना कहीं नाम जो है वो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है मेनली. सो माल्टोज जो है वो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है. तो यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दो स्ट्रक्चर बना रही हूँ. तो ऑब्वियसली अगर दो शुगर मॉलिक्यूल से बना है तो आपस में उनके बॉन्ड भी होगा, तो बॉन्ड अरेंजमेंट भी देखते हैं. तो रेस्ट, दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एच और OH, ठीक है. उसके बाद हमारे पास एक और बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल एच और OH, ठीक है. सो हमारे पास इस तरीके से दो पर्टिकुलर ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है. विथ दिस इज द फर्स्ट पोजिशन एंड दिस वन इज द फोर्थ पोजिशन, ठीक है. सो हमारे पास अल्फा मॉलिक्यूल्स है, तो अल्फा ग्लूकोजेस है, तो हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन आपस में सामने होगी. तो अब होगा क्या, एक OH और एक का H जो है वो अकॉर्डिंगली रिमूव हो जाता है, यानी कि आप कंप्लीटली कहो यहां से फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और अल्टीमेटली इन दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है. अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन बन जाएगा. तो स्ट्रक्चर जो है It would be like this. यहाँ पे H है दोनों पोजिशन पे, यहाँ पे हमारे पास O आ जाएगा, यहाँ पे H है अगेन. इस तरीके से फर्स्ट और फोर्थ पोजिशन पे हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा. तो आप यह कह सकते हो दिस इज कंप्लीटली
अ बॉन्डिंग बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन. तो दिस बॉन्ड जो हमारे पास ग्लूकोज में शुगर के बीच में बनता है, सो दिस बॉन्ड इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो होता है जो शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है. अगर पूरा एक्सप्लेनेशन देना है तो दो अल्फा शुगर्स है, अल्फा और फर्स्ट और फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व हुआ है, तो अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है माल्टोस के केस में. तो हमारे पास इस तरीके से दो शुगर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होकर हमारे पास डाइसेकेराइड बना रही है. ऐसे ही हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, जैसे ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड, अकॉर्डिंगली जैसे शुगर्स बढ़ती है, पॉलीसेकेराइड भी, उनके बीच में ऐसे ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते जाते हैं और चेन जो है वो लंबी होती जाती है. तो आप यहाँ पे देख रहे हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो डिहाइड्रेशन के बाद बना, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूवल के बाद बना. तो हमारे पास इसीलिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो डिहाइड्रेशन बॉन्ड है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बना है. सो ऐसे ही अगर प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के केस में भी आप देखोगे तो हमारे पास फर्दर थ्री केसेस में भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस ही होती है जब बॉन्ड फॉर्मेशन की बात आती है. तो सो इस तरीके से हमारे पास जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी अगर शुगर्स में बढ़ रही है, वैसे वैसे वो लेस बल्की होते जाते हैं क्योंकि एक एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता जाता है. सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सी एक्स H2OY में अगर हम बात करें तो वाई का नंबर जो है वो एक कम हो जाएगा, है ना. सो वाई जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होते हैं, जिसकी वजह से एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है. तो यहां से आपने क्या जाना, यहां से ये जाना कि हमारे पास जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनने की वजह से यानी कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने की वजह से लेस बल्की अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द ओलिगोसेकेराइड्स. नाउ विल टॉक अबाउट द पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है. सो पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बात करते हैं कि उनका कैसा अरेंजमेंट. तो पॉलीसेकेराइड्स जो है उनके केस में भी कुछ पर्टिकुलर चीजें जो है वो ऑलिगोसेकेराइड से मैच करती हैं, जैसे कि इनको भी हाइड्रोलाइज किया जा सकता है फर्दर शुगर मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि अगर इनके बीच का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ेंगे तो फर्दर सिंप्लीफाइड शुगर्स जो है वो रिलीज होंगी, है ना. एक्स और वाई इनके केस में डिफरेंट होगा, बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से केमिकल नेचर जो है वो हमारे पास शुगर्स का बदलता जाएगा. तो हमारे पास मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स होती हैं पॉलीसेकेराइड्स में, ठीक है. एंड पॉलीसेकेराइड्स में फर्दर क्लासिफिकेशन भी है, हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, दो पर्टिकुलर क्लासेस आप कह सकते हो. तो ये क्लासेस इस बेसिस पे है, दो ये क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे है कि हमारे पास जो शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर पॉलीमर्स बना रहे हैं वो सिमिलर है या डिसिमिलर है, यानी कि सेम शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर पॉलीमर बना रहे हैं या फिर डिफरेंट शुगर्स कंबाइन होकर पॉलीमर बना रहे हैं, ठीक है. सो इस बेसिस पे दो कैटेगरीज हैं, तो वो दो कौन सी हैं? एक है हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड. नाम से ही आप समझ पा रहे हैं होमोपॉलीसेकेराइड वो है जो कि सेम शुगर मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से बनी होती है, ठीक है. सो हमारे पास सेम शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन होते हैं और पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है. सो इसमें आप एग्जाम्पल्स देख पाओगे स्टार्च की, उसके बाद ग्लाइकोजन, ये दोनों स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, ठीक है. उसके बाद प्लांट में प्रेजेंट रहने वाला सेल्युलोज, उसके बाद एक और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन्यूलिन, इंसुलिन नहीं है, इन्यूलिन है, ठीक है. और उसके बाद हमारे पास है काइटिन, काइटिन इज अगेन अ पॉलीसेकेराइड जो कि होमोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है. एंड अल्टीमेटली वी हैव हेटेरोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स जो है वो होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर्स अरेंज होकर बॉन्ड बनाकर क्या बना रही है, पॉलीमर बना रही है. सो हमारे पास डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स बनते हैं, ठीक है. और इसमें एग्जाम्पल्स आप देख पाओगे, सबसे पहली एग्जाम्पल जो है वो बैक्टीरिया से यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल से लेने वाली हूं, दैट इज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. पेप्टिडोग्लाइकन एक ऐसा शुगर है, ऐसा पॉलीमर है जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया के. और उसके बाद आप हाइलुरोनिक एसिड,
हाइलुरोनिक एसिड ये भी एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। सो इन्हीं के बारे में डिस्कस करना है जिसमें एनसीईआरटी ने ज्यादा डिटेल जो है वो स्टार्च ग्लाइकोजन और सेलुलोज के बारे में दिया है, इनिलिन के बारे में बताया है। काइटिन तो है हम बहुत जगह पढ़ेंगे, जैसे कि फंगल सेल वॉल के केस में पढ़ेंगे, और उसके बाद काइटिन जो है वो एक मेन पॉलीसेकेराइड है, मेन केमिकल है जो ऑर्थोपोड के एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट रहता है, जो उसके एक्सोस्केलेटन को डेड और रेजिस्टेंट बनाता है। ठीक है, सो इनके बारे में बात करते हैं, इनका डिटेल स्ट्रक्चर जानते हैं, कैसे कैसे अरेंजमेंट है, ठीक है, और किसके पॉलीमर्स हैं ये। तो सबसे पहला पॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टार्च, विच इज अ होमोपॉलीसेकेराइड और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन प्लांट्स। प्लांट जो जितना भी शुगर स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, वो स्टार्च की फॉर्म में करता है। सो इट्स अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। तो स्टार्च का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर जो है वो बना है ग्लूकोज से, क्योंकि होमोपॉलीसेकेराइड है एक सिंगल तरह का शुगर ही यूज करेगी, शुगर यूज हुआ होगा इनके पॉलीमरिक अरेंजमेंट बनाने में। तो इट्स अ ग्लूकोज पॉलीमर, और ग्लूकोज पॉलीमर का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आता है। इनमें क्या होता है, स्पाइरल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। स्पाइरल अरेंजमेंट के साथ साथ कुछ ब्रांचेस हैं जो इनके स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी होती हैं। सो अमाइलोज इज द स्पाइरल अरेंजमेंट यू कैन से, एंड जो चेन अरेंजमेंट आपको दिख रहा है वो माइलोपेक्टिन है, और ये जो लाइंस आपको दिख रही है पूरी चेन दिख रही है कुछ और नहीं है, ये ग्लूकोज का ही अरेंजमेंट है, ठीक है, जो सिंप्लीफाइड वे में दिखाया गया। अगर इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे तो सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर ये अरेंजमेंट बना रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर रहता है। सो माइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, चेन एंड ब्रांच्ड और चेन अरेंजमेंट जो है, स्पाइरल अरेंजमेंट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आप कह सकते हो कि हमारे पास स्टार्च जो है उसमें हमारे पास स्पाइरल अरेंजमेंट भी है और ये स्ट्रक्चर जो है वो ब्रांच्ड भी है, जिसकी वजह से हमारे पास अगर हम इस स्ट्रक्चर को, अगर स्टार्च को ट्रीट करें आयोडीन के साथ, तो आयोडीन जो है वो स्पाइरल अरेंजमेंट में ट्रैप हो जाता है इसका मॉलिक्यूल, और अल्टीमेटली जिसकी वजह से ट्रैप और कंसंट्रेट होने की वजह से जो आयोडीन जो है वो ब्लू कलर देता है विद स्टार्च। सो ब्लू कलर विद आयोडीन, तो एक एक्सपेरिमेंट है जो हम बेसिक क्लासेस में करते हैं कि लीफ के ऊपर आयोडीन की ड्रॉप्स डाल दी, आयोडीन ड्रॉप डालने के बाद वो ब्लू कलर के पैचेस रह जाते हैं लीफ के ऊपर, जो बताता है कि स्टार्च कहाँ कहाँ पे अकमोलेटेड है, ठीक है। सो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि स्टार्च जो है वो ट्रैप कर लेता है आयोडीन मॉलिक्यूल्स को, जिसकी वजह से वो ब्लू कलर इम्पार्ट करता है। तो हमारे पास इस तरीके से अरेंजमेंट है स्टार्च का। डिटेल स्ट्रक्चर की बात करनी हो तो हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर जो है उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये पूरा चेन अरेंजमेंट जो है इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। सो इस तरीके से पूरा स्टार्च का अरेंजमेंट रहेगा। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज अगेन अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, दैट इज ग्लाइकोजन, बट ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है इन केस ऑफ एनिमल्स। सो इट्स अ पॉली स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन एनिमल्स। एनिमल्स जो है अपना खाना ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, और सबसे बड़ी बात ग्लाइकोजन जो है अगेन स्टार्च की तरह ग्लूकोज पॉलीमर अगेन, बट द थिंग इज इसमें वो स्पाइरल अरेंजमेंट नहीं आएगा, वो कर्व्स नहीं आएंगे जो स्टार्च में है। सो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है। एनसीईआरटी ने भी इसी तरीके से बताया है कि ग्लाइकोजन जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली ब्रांच स्ट्रक्चर है, बट वो स्टार्च जैसा अरेंजमेंट नहीं लेता, ऐसा स्ट्रक्चर है, ब्रांचेस ज्यादा होती है बेटा इसमें, ठीक है। सो हमारे पास ग्लाइकोजन जो है इट्स अगेन अ ब्रांच स्ट्रक्चर, पर एनसीईआरटी ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि ग्लाइकोजन जो है वो आयोडीन के साथ ट्रीटमेंट शो करता है नहीं करता है, ब्लू कलर देता है या नहीं कर देता है। बट मैं आप एक्चुअली बता दूं, आयोडीन जो है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं हो पाता ग्लाइकोजन में, बट एक्चुअली ये रेड कलर देता है, स्लाइट रेड कलर जो देता है ग्लाइकोजन के साथ आयोडीन,
बट अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि हमारे पास इनमें से स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, काइटिन, इनको अगर हम ट्रीट करें तो आयोडीन के साथ कलर कौन देगा, ट्रीट कौन होगा, ट्रैप कौन करेगा, तो वो स्टार्च है. ठीक है, तो स्टार्च वुड बी द करेक्ट आंसर. तो आपको ग्लाइकोजन जो है वो स्किप करना है उस केस में. मैं आपको जस्ट रफली बता रही हूँ, इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन बट इसको मेनली ट्रैप करके कंसेंट्रेट करने का काम सिर्फ स्टार्च करता है और कोई नहीं करता. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. ये दोनों हमारे पास क्या है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है. तो मैं इन पे फोकस क्यों कर रही हूँ, स्टोरेज पे फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो है वो एक स्पेशल पर्पज से बनते हैं बॉडी में. और वो पर्पज क्या है, इन्यूलिन को डिस्कस करने के बाद जानते हैं, डिस्कस कर. सो इन्यूलिन जो है वो भी स्टार्च और ग्लाइकोजन की तरह एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है. कुछ प्लांट्स के केस में, जैसे कि हम दलिया की बात करें, दलिया प्लांट के केस में इन्यूलिन जो है वो स्टोर होता है. और ये जो है वो ग्लूकोज का नहीं बल्कि फ्रक्टोज का पॉलीमर है. और सबसे स्पेशल बात, बायोमेडिकल लेवल पे इसे यूज किया जाता है वो इसीलिए कि इन्यूलिन जो है इट कांट बी मेटाबोलाइज्ड इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इन्यूलिन को मेटाबोलाइज कर सके. इसका फायदा हम मेडिकल लेवल पे लेते. अब आप बोलो मेटाबोलाइज नहीं होता, कोई न्यूट्रिएंट्स रिलीज नहीं कर रहा, तो क्या फायदा है इस इन्यूलिन का. तो इन्यूलिन का फायदा ये है कि एज सच ये बॉडी में फिल्टर हो जाता है विदाउट एनी केमिकल चेंज, फिल्टर हो जाता है और किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा इन्यूलिन को बिना मेटाबोलाइज, बिना कुछ किए, बिना चेंजेस किए फिल्टर आउट कर देता है. तो मतलब अगर हमारी बॉडी जो है वो इन्यूलिन को फिल्टर कर रही है, हम बॉडी में इन्यूलिन ले रहे हैं और वो फिल्टर कर रही है, तो हमारी किडनी जो है वो बिल्कुल सही काम कर रही है. यूरिन में अगर इन्यूलिन फिल्टर होकर आ रहा है तो किडनी बिल्कुल सही काम कर रही है. बट अगर ऐसा नहीं है, इन्यूलिन अगर बॉडी में जा रहा है और यूरिन में पास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब किडनी जो है वो अपना काम करने में, फिल्ट्रेशन करने में इनएफिशिएंट हो गई है. ठीक है, सो इन्यूलिन जो है वो किडनी फंक्शन को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है बायोमेडिकल लेवल पे. ठीक है, सो उसका रीजन ये है कि इन्यूलिन जो है हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होती. तो अब ये इन्यूलिन जो है, जैसे मैंने कहा, स्टार्च और ग्लाइकोजन की तरह एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, तो हम उनके फीचर्स जान लेते हैं, फीचर्स ऑफ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड. तो हम स्टोरेज पॉलीसेकेराइड पे फोकस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एज सच ग्लूकोज को, एज सच फ्रक्टोज को स्टोर भी तो कर सकती थी. फिर हमारे पास ये पॉलीसेकेराइड और स्टोरेज उस की फॉर्म में स्टोर करने का क्या पर्पस है, क्योंकि स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, अगर हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ऊपर दोबारा आए, उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिकॉल करें, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बन रहा था, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के बाद. तो जिसकी वजह से हमारे पास जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड फॉर्म होती है, मोनोसेकेराइड से बेटर जो पॉलीसेकेराइड फॉर्म होती है, क्यों, क्योंकि वो लेस बल्की है. वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगी, जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर शुगर मॉलिक्यूल को स्टोर करने के लिए हमारे पास कम स्पेस और कम बल्कीनेस रहेगी. यानी कि एक OH, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो दो पर्टिकुलर शुगर मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करने में एक पूरा वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया. ऐसे अगर 10 कम शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो नियरली 5 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे. So, इस तरीके से जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं और बल्किनेस कम हो रही है, तो स्टोर करना इजी है. और इस वजह से हमारे पास एक केमिकली नॉन रिएक्टिव होते हैं, केमिकली लेस रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट ज्यादा नहीं करते, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. और ऑस्मोटिकली भी इनएक्टिव होते हैं. ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होने की वजह से इनको स्टोर करना अगेन इजी है. ये 3 पर्टिकुलर रीजंस हैं, फीचर्स हैं, जिसकी वजह से पॉलीसेकेराइड्स को स्टोर करना बहुत ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू मोनोसेकेराइड. सो दिस इज द मेन रीजन, राइट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेल्युलोज. सेल्युलोज इन तीनों से थोड़ा सा अलग है नेचर में, क्योंकि इट्स नॉट अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड बट अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड इन केस ऑफ प्लांट्स. तो सेल्युलोज जो है इट्स अ पार्ट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट्स. So, cellulose in cell wall of plants, so structural polysaccharide है. और ये cellulose जो है हमारे पास
बहुत अबंडेंस में प्रेजेंट रहता है प्लांट बायोस्फेयर में, बायोस्फेयर में और प्लांट किंगडम में. तो ये सेल्यूलोज जो है इट्स अगेन अ ग्लूकोज पॉलीमर. ये ग्लूकोज पॉलीमर है और इसके केस में हमारे पास अगर हम बात करें, क्योंकि ग्लूकोज पॉलीमर से रिलेटेड हमने आयोडीन की बात करी, तो सेल्यूलोज जो है वो क्या कलर देता है आयोडीन के साथ. तो अगर हम बात करें आयोडीन के ट्रीटमेंट के बाद, हमारे पास सेल्यूलोज जो है वो बिल्कुल भी कलर नहीं देता एंड दिस स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली अनब्रांच्ड. नो स्पाइरल अरेंजमेंट्स, नो ब्रांचेस, बट एक स्ट्रेट अरेंजमेंट है ग्लूकोज का जो कि सेल्यूलोज बनाता है. तो इसीलिए हमारे पास ये बिल्कुल डिफरेंट भी है स्टार्च और ग्लाइकोजन से. ब्रांचेस नहीं है, स्पाइरल अरेंजमेंट नहीं है, आयोडीन के ट्रीटमेंट पे कोई कलर नहीं देता, स्टार्च जो है वो मेनली कॉन्सेंट्रेट करता है आयोडीन को. सो दिस इज द अरेंजमेंट. अगर हम बात करें वैसे इसके यूज की, तो पेपर के केस में रेयॉन फॉर्मेशन में सेल्यूलोज यूज होता है. नाइट्रो सेल्यूलोज की बात करें तो क्रैकर्स में जो बर्स्टिंग अरेंजमेंट आता है वो नाइट्रो सेल्यूलोज की वजह से आता है. कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज जो है वो आइसक्रीम्स में यूज होता है, वो आइसक्रीम्स में जो क्रीमी टेक्सचर दिया जाता है वो कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज की वजह से आता है. सो अलग अलग जो हमारे पास यूटिलाइजेशंस हैं और फंक्शंस हैं जो सेल्यूलोज से जुड़े हुए हैं. ठीक है, सो ये है हमारे पास द फोर्थ होमोपॉलीसेकेराइड, दैट इज सेल्यूलोज. नाउ वी गोना टॉक अबाउट द लास्ट होमोपॉलीसेकेराइड जो एज पर सिलेबस हमें करना है, दैट इज काइटिन. तो काइटिन के बारे में बात करें तो काइटिन अगेन इज अ होमोपॉलीसेकेराइड, बट इसके केस में एक मॉडिफाइड शुगर यूज होती है, यानी कि इट्स अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन. एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एक मॉडिफाइड शुगर है जो कि कंबाइन होकर काइटिन बनाती है. एंड द काइटिन, जैसे मैंने कहा था इनिशियली, काइटिन इज फाउंड इन ऑर्थ्रोपोड स्केलेटन. ऑर्थ्रोपोड्स एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ऑर्थ्रोपोड्स जो है सक्सेसफुली सर्वाइव कर पा रहे हैं इस बायोस्फेयर में और अबंडेंस में प्रेजेंट है. लार्जेस्ट फाइलम होता है फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, और फंगल सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट रहता है. तो फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, जिसे फंगल सेल्यूलोज भी कहा जाता है. ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ काइटिन. नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हेटेरोपॉलीसेकेराइड. कुछ बेसिक चीजें बात करेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड के बारे में. दो एग्जांपल्स हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं. सो हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पेप्टिडोग्लाइकिन की. पेप्टिडोग्लाइकन जो है, जैसे हम जानते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो माइक्रोबियल बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है. सो दिस पेप्टिडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ और पॉलीमर ऑफ टू पर्टिकुलर शुगर्स, क्योंकि हेटेरोपॉलीसेकेराइड है. एक तो हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन प्लस एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एक और मॉडिफाइड शुगर. तो कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनता है, हमारे पास किस तरीके से जुड़ा होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड के साथ ऑल्टरनेटिवली जुड़ता है और अल्टीमेटली क्या बना लेता है, पॉलीमर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन. और एक चीज और मैं रिलेट करना चाहूंगी यहाँ पे. हम क्या कहते हैं कि जैसे हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं 12th क्लास में, एक इम्यूनिटी वाला चैप्टर है, उसमें कहा जाता है कि हमारे पास एक बेसिक लाइन ऑफ डिफेंस होती है, जिसमें जैसे हम बात करें कि हमारे सेलिवा में, आईज में लाइसोजाइम है जो क्या करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करता है. तो इट्स अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया को एंटर करने से प्रिवेंट करता है. तो अब लाइसोजाइम जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन पे ही एक्ट करता है. एक्चुअली एक बीच में जो बॉन्ड्स है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, जिसे लाइसोजाइम तोड़ने की टेंडेंसी रखता है. सो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन की डाइजेशन हो जाती है, बैक्टीरियल सेल वॉल खराब हो जाती है और बैक्टीरिया इनएफिशिएंट हो जाता है इन्फेक्शन करने के. ठीक है, सो ये है उसका रिलेशन एक्चुअली. नाउ द लास्ट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूं, दैट इज हायलुरोनिक एसिड. हायलुरोनिक एसिड जो है
हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ा है, लाइगामेंट्स के साथ जुड़ा है, ओवरी में प्रेजेंट रहता है, उसके बाद सॉरी हमारे ओवम में प्रेजेंट रहता है. तो हाइलुरोनिक एसिड बॉडी में बहुत सारी जगह प्रेजेंट रहता है. सो जस्ट एक बेसिक अरेंजमेंट आपसे डिस्कस करना चाहूंगी. इट्स अ पॉलीमर ऑफ एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन लाइक दिस, ठीक है, एनएसिटाइल नैट प्लस एक और मॉडिफाइड शुगर है दैट इज म्यूरामिक एसिड, जिसके साथ कंबाइन होकर अगेन ऑल्टरनेटिवली नैट एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन प्लस म्यूरामिक एसिड, फिर एनएसिटाइल ग्लूकोसामीन प्लस म्यूरामिक एसिड, बिल्कुल ऑल्टरनेटिवली इस तरीके से जुड़कर हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड बनता है. सो दिस इज अबाउट द हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स एज वेल, दो डिफरेंट शुगर्स यूज हो रही हैं टू फॉर्म अ न्यू पॉलीमर, ठीक है. सो ये है हमारे पास अलग अलग शुगर्स का अरेंजमेंट, अलग अलग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो शुगर के साथ जुड़ी है. बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी आपको बताना चाहती है वो है रिड्यूसिंग शुगर्स का. अब मैं उसके बारे में बात करूंगी. सो रिड्यूसिंग शुगर्स जो है वो शुगर्स होती है जो रिड्यूस करती है Cu2 पॉजिटिव को इंटू Cu पॉजिटिव, यानी कि ये शुगर्स जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है. बट इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि लेबोरेटरी टेस्ट में हम शुगर्स को डिटेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. तो हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं, दैट इज बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग सॉल्यूशन. इनमें क्या होता है, Cu2 पॉजिटिव प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव प्रेजेंट रहता है. और जब हम इन रिड्यूसिंग शुगर्स को इन सॉल्यूशंस के साथ ट्रीट करते हैं, सो रिड्यूसिंग शुगर्स को इन सॉल्यूशंस के साथ ट्रीट करते हैं तो इसका Cu2 पॉजिटिव Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे अगर हम बात करें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की, तो अगर हम किसी सैंपल में अगर शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है, और अगर हम इसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाल दें जो कि नॉर्मली पर्पलिश ब्लू कलर का होता है, ब्लूइश कलर में आता है, तो वो इमीडिएटली ना कलर चेंज कर देगा इनटू ब्रिक रेड कलर. क्यों? क्योंकि Cu2 पॉजिटिव Cu पॉजिटिव में जब चेंज होता है तो वो ब्रिक रेड अरेंजमेंट देने लग जाता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में शुगर है. तो ये टेस्ट हमें हेल्प करते हैं विद डायबिटिक पेशेंट्स. जैसे हम यूरिन सैंपल में क्या करते हैं, यूरिन सैंपल की हेल्प से हम डायबिटीज चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं कि यूरिन में शुगर जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है, और है तो कितना अमाउंट है. तो हम क्या करते हैं, यूरिन सैंपल में अगर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालेंगे तो कितनी कंसिस्टेंसी जो है वो ब्रिक रेड कलर की रहेगी, या वो आएगा या नहीं आएगा, तो उसके बेसिस पे हम फिगर आउट कर लेते हैं कि पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा शुगर रिलीज कर रहा है, ग्लूकोज जो है वो फिल्टर आउट कर रहा है विद यूरिन, ठीक है. सो इस तरीके से रिड्यूसिंग शुगर जो है वो हेल्प करती है. इनमें क्या होता है, फ्री OH ग्रुप होने की वजह से, क्योंकि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप की बात करें तो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये अरेंजमेंट आता है, जिसकी वजह से आपको फ्री OH ग्रुप दिखेगा कुछ शुगर्स में. अब आप बोलो कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप तो सब में है नियरली, कुछ एल्डोसिस होती है, कुछ कीटोसिस होती है. बट अगर आप बात करें चेन्ड अरेंजमेंट की, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनती है, पॉलीमर्स बनते हैं, उस दौरान हमारे पास ये कॉम्बिनेशन जो है एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप जो है वो नॉर्मली फ्री नहीं रहते, OH ग्रुप जो है उनका फ्री अवेलेबल होना मुश्किल हो जाता है एनोमेरिक कार्बन पे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, दिक्कत आ जाती है, ठीक है. वो शुगर्स जो है वो एक्चुअली रिड्यूस करने की पॉसिबिलिटी कम कर देती है, जिसकी वजह से ये रिड्यूसिंग शुगर्स वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ पर्टिकुलर शुगर्स के साथ ही काम करता है. जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पलीफाई करूं तो हमारे पास जितने भी मोनोसेकेराइड हैं वो सारे रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, और डाइसेकेराइड्स की बात करूं, क्योंकि हमने ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड्स की बात की है, तो डाइसेकेराइड्स में लैक्टोज माल्टोज जो है वो हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है, बट सुक्रोज नहीं है. सुक्रोज इज नॉट एट ऑल अ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिड्यूस नहीं कर पाता. अगर हमें सुक्रोज का टेस्ट करना है, सुक्रोज की प्रेजेंस को चेक करना है, तो उसके केस में हम ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल यूज नहीं कर सकते, ठीक है. So this is about the reducing sugar as well. So अब हम बात करेंगे next lecture में with
लिपिड्स। तो लिपिड्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इसी तरीके से कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका नेचर क्या है, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में जो हमने डील किया, जो बायोमोलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन की है, जो पूरा एनालिसिस किया है, उसे रिलेट करते हुए ही पूरा सारा कॉन्सेप्ट डील करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, सारी चीजें जो है वो रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट का नेचर हमें पता होगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उसके बाद वो किस पर्टिकुलर पार्ट में पाया गया, रेटिनेट या फिल्ट्रेट में, उसका साइज क्या है, वो सारी चीजें जो है वो रिलेट करते ही डील करनी है, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में।